गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की। एमएससी फाइनल ईयर में जो आप लोगों की बुक चल रही थी वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट है। आप लोगों का जो थर्ड पेपर है तो इसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में हमने जो चैप्टर था वो अपना ऑर्गेनोमेटलिक चैप्टर अपना था। कल जो हमारी क्लास हुई थी जो हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनोजिंक, यानी कि नेक्स्ट हमने रिएजेंट जो यूज़ में लिया था वो कौन सा था अपने पास, जो हमारा चल रहा था रिएजेंट वो था ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। इसकी हम बात कर रहे थे ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की। ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में हमने दो, मैंने आप लोगों को दो रिएजेंट बताए थे, कौन कौन से थे अपने पास। एक तो था हमारे पास एल्किल जिंक हैलाइड, एक तो हमने इस रिएजेंट की बात की थी। नेक्स्ट हमने लिया था एक और जो हमने बात की थी वो थी अपने पास डाई एल्किल जिंक। इन दो के रिएजेंट की हमने बात की थी ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में। तो हमने इसके प्रिपरेशन यानी कि इसकी बनाने की विधि की बात कर ली थी कि कैसे कैसे हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट की थी इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में मैंने आप लोगों को एक रिएक्शंस बता दी थी, एसिडिक जब आप लोग हाइड्रोजन लेते हो तो उसके साथ ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की कैसे रिएक्शंस होती है, यहाँ तक की अपनी बात हो चुकी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि आप लोगों को ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट लेना है, उस ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के में रिएक्शंस करवानी है किसके साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आप लोगों के पास स्पीसीज होती है, कंपाउंड जो होता है अपने पास उसके साथ हमें रिएक्शंस करवानी है। तो नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विथ कार्बन डबल बॉन्ड। इसके साथ हमें रिएक्शंस करवानी है किसकी, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की। ये हमारा है नेक्स्ट जो आप लोगों की केमिकल रिएक्शन है उसमें अपने पास सेकंड नंबर अगर हम इसको दे तो अपने पास है कार्बन कार्बन रिएक्शंस। अब हमें पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस किस के पास होते हैं, यानी कि अब हम बात करें जो भी आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड स्पीसीज आती है जिसको आप लोग बोलते हो असंतृप्त यौगिक कंपाउंड, वो सब अपने पास किस में आते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि हम बात करें एल्किन और एल्काइन वो किस में आते हैं आप लोगों के पास, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अपने पास जैसे हम एल्किन और एल्काइन के रिएक्शंस करवाते हैं ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ तो अपना क्या प्रोडक्ट बनता है, इसमें ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे तो एक आप लोग हमारे पास जो नॉर्मली जो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट होते हैं वो आप लोगों के पास जो आप हमारे पास जो एल्काइन या फिर आप लोगों के पास जो एल्किन होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट जो लेते हैं उनकी रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, अब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एलिलिक फॉर्म भी आप लोग ले सकते हो जैसे वाइनिल एलिलिक अपने पास होता है उसके साथ भी हम रिएक्शंस करवा सकते हैं तो अपना प्रोडक्ट इजी वे में आप लोगों के पास बन जाएगा। यानी कि सिंपल ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट इज डू नॉट रिएक्शंस विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप लोगों के पास जो भी सिंपल अगर हम लेते हैं जिंक जो आप लोगों के पास होता है वो रिएक्शंस नहीं करेगा, कौन करेगा आप लोगों के पास, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट जो होता है वो इजी वे में रिएक्शंस कर लेता है। तो यहाँ हम रिएक्शंस हम बात करते हैं रिएक्शंस की, अपने पास जो भी आप लोगों के पास है ये अपने पास है आप लोगों के पास ब्यूटाइन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, इस ब्यूटाइन की रिएक्शंस करवानी है हमें किसके साथ, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ। तो इस ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ हमें रिएक्शंस करवाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक तो हमें ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट यूज में लेने पड़ेगा यानी कि डाई एल्किल जिंक। तो हम यहाँ पे जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो हमारे पास होगा एक तो ऑर्गेनो जिंक यानी कि होगा डाई एल्किल जिंक, जैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास आता है डाई एल्किल जिंक। एक तो अपने पास ये वाला रिएजेंट होगा क्योंकि हमारे पास जो हम स्टडी कर रहे हैं वो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की कर रहे हैं, प्लस इसके साथ जो हम यूज में लेते हैं वो होगा हमारे पास जर्कोनियम साइक्लोपेंटाडाइनिन आयोडीन। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास सेकेंड जो होता है वो होता है जर्कोनियम डाइसाइक्लोपेंटाडाइन आयोडीन। ये अपने पास क्या होता है, इसका जो आप लोगों के पास कैटलिस्ट जो होता है उसको रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए जो हम उत्प्रेरण जिसको आप लोग बोलते हो वो हम यूज करते हैं यहाँ पे जर्कोनियम डाइसाइक्लोपेंटाडाइनिन। ये अपने पास होता है जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या है डाई एल्किन जिंक है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास डाई आयोडो है। तो जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे
जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो ये आप लोगों के पास जर्कोनियम जो आप लोगों के पास होता है डाईएडो जिंक, वैसे अपने पास रिएक्शंस होती है यहाँ पे। तो हम रिएक्शन जैसे ही करवाएंगे यहाँ पे, आप लोगों के पास एल्काइन पे अपने पास रिएक्शंस कहाँ होगी, यहाँ अपने पास रिएक्शंस होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास। तो एल्किन के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं, हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3। आप लोगों के पास यहाँ पे CH2 है। जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास रिएक्शंस कहाँ होंगे, टर्मिनल जो आप लोगों के पास एल्काइन प्रेजेंट है वहाँ अपने पास रिएक्शंस होगी, और यहाँ अपना बनेगा जैसे आप लोगों ने एल्किन में जो भी यूज़ में लिया है, अगर एल्किल एथिल लेते हो तो एथिल, नहीं तो हमारे पास मैथिल। तो यहाँ अपने पास बनेगा आयोडीन, और ये अपने पास होती है आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है इस रिएक्शंस में, कि जैसे ही हम इस रिएक्शंस की रिएक्शंस करवाते हैं इसमें, तो यहाँ से आप लोगों के पास एक तो अपने पास क्या होगा, यहाँ से जो भी आप लोगों ने जिंक रिएजेंट यूज़ में लिया है उसके साथ हमें रिएक्शंस करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आयोडीन भी इसके साथ रिएक्शंस करेगा। तो ये आप हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी आप लोगों के पास ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है, उस ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में अपना जो आयोडीन जो दोनों होगा वो क्या होंगे, यहाँ पे बोथ आर सिन। यहाँ पे जो भी हमारा रिएजेंट में जो आप लोगों के पास यूज में आ रहा है एल्किन और आयोडीन, वो बोथ आर क्या करेंगे, सिन आप लोगों के पास रिएजेंट अटैक करेंगे। सिन आप लोगों के पास, सिन और एंटी दो फॉर्म होती है, तो हम उसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे जैसे ही आप लोगों के पास होगी। तो बस आप लोगों को इस रिएक्शन में इतना ध्यान रखना है कि हमें ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट और जो आयोडीन आप लोगों ने यूज में लिया है वो कैसे रिएक्शंस करेंगे, सिन पोजिशन पर आप लोगों के पास रिएक्शन पॉसिबल होगी। ये रिएक्शंस थी अपने पास नॉर्मली रिएक्शंस अपने पास जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट अगर हम और रिएक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे हम बात करते हैं ये अपने पास है डाइब्यूटिन, आप लोगों के पास मेथाइन एथाइन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, डाइब्यूटिल एथाइन हमारे पास प्रेजेंट है। इस एथाइन की हमें क्या करवानी है, रिएक्शंस करवानी है किसके साथ, वही अपनी रिएक्शंस होगी यहाँ पे इसके साथ होगी डाई, यहाँ पे हम ले लेते हैं डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक, और हमारे पास रिएक्शंस कहाँ होगी, वही जर्कोनियम डाइसाइक्लोपेंटाडाइलिन आयोडीन, इसकी प्रेजेंस से अपने पास रिएक्शंस होगी यहाँ पे। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे आप लोगों के पास, तो ये जो एथिल ग्रुप आप लोगों के पास है वो कहाँ अटैच होगा, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हमें ये रिएक्शंस कहाँ करवानी है, डबल बॉन्ड जहाँ पर भी होगा एल्किन और एल्काइन वहाँ हमें रिएक्शंस करवानी है। तो हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं इसके थ्रू, तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे अपना, यहाँ पे हमने एथिल लिया है तो एथिल अटैच हो जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और ये आयोडीन ये आप लोगों के पास है ब्यूटाइन, तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर भी हम बात करें तो एथिल और जो आयोडीन आप लोगों के पास है वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, सिन पोजीशन में प्रेजेंट है। बस आप लोगों को इस रिएक्शन इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट ले रहे हो और उसके साथ जो जर्कोनियम जो आप लोग यूज़ कर रहे हो आयोडीन वाला, उसके साथ हमें कैसे रिएक्शन करवानी है, सिन रिएक्शन करवानी है, एंटी पोजिशन में हमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं करनी है। तो ये हमें रिएक्शन थी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो अपने पास आएगी साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे हम बात करें अगर, तो ये अपने पास होगी साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शंस, साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शंस। साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन हमें क्या करना है, यहाँ पे कार्बन कार्बन वही हमें डबल बॉन्ड यूज करना है, लेकिन उसके थ्रू हमें क्या बनाना है, साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करनी है। आप लोग हमारे पास जो रिंग जो कंपाउंड होता है जिसमें लॉस्ट मेंबर होता है साइक्लोप्रोपेन, उसकी हमें फॉर्मेशन करनी है। इस रिएक्शन के हम इसमें हम रिएक्शन करवाने के लिए क्या लेते हैं, जो आप लोगों की स्पीसीज आती है, जो जो आयोडीन जो आप लोगों के पास होता है जिंक का, वो हम क्या लेते हैं, आयोडोमेथिल जिंक आयोडाइड आप लोगों के पास होता है। जैसे हमारे पास है आयोडो मैथिल जिंक एथिल, ये जब हम लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन आयोडो मैथिल जिंक डेरिवेटिव। अब जिंक डेरिवेटिव आप लोगों के पास यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है और एथिल भी हो सकता है। तो जैसे ही हम इसका रिएक्शन पे यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, आप लोगों के पास जैसे हम रिएक्शन पे इसमें यूज़ करेंगे तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ हम देखते हैं रिएक्शन आप लोगों के पास है, जैसे स्टाइरीन आप लोगों के पास है, ये है हमारे पास स्टाइरीन। जैसे हम फॉर्मेशन करते हैं इसकी, ये अपने पास स्टाइरीन है, इस स्टाइरीन की रिएक्शंस करवानी है हमें किसके साथ, वही अपने पास डाई आयोडो मैथिल
मैथिल एक तो आप लोगों को ये यूज में लेना है, सेकंड हमारे पास जो यूज में आएगा वो आप लोगों के पास आएगा आयोडाई, आयोडो आप लोगों के पास मैथिल आ गया, एक हमारे पास आएगा जो हम रिएजेंट यूज में लेते हैं वो होगा डाई एथिल जिंक। यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट के रूप में यूज में लेते हैं वो बेंजीन आप लोगों का सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे। हमें यहाँ से रिएक्शंस करके अभी मैंने आप लोगों को बताया ये जो आप लोगों के पास डाई एथिल जिंक है और जो डाई आयोडो मैथिल है वो दोनों हमें क्या देते हैं, इसके साथ हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे जो रिएजेंट आप लोगों का मेनली जो यूज में आएगा वो होगा आयोडो मैथिल जिंक एथिल, ये आप लोगों के पास रिएजेंट बनेगा। इसके थ्रू, इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास रिएक्शंस भी कहाँ होंगी, इसी के साथ हमारे पास रिएक्शंस होगी। तो ये जो मैथिल ग्रुप है आप लोगों के पास जो है CH2 आप लोगों के पास है, इस CH2 के हमें क्या करवानी है, रिएक्शंस करवानी है मेनली जो आप लोगों का है ये वाला CH2। हम जैसे रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अपने पास फॉर्मेशन हो जाती है साइक्लोप्रोपेन की। साइक्लोप्रोपेन की जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे हमारे पास जैसे ही रिएक्शंस होगी, एक बार हमारे पास रिएक्शंस कहाँ होगी, यहाँ डबल बॉन्ड पे अपने पास फॉर्मेशन होगी, क्या बनेगा आप लोगों के पास, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास होगा साइक्लोप्रोपेन, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। तो साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन यानी कि साइक्लोप्रोपेन की हमने क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट हम रिएक्शन, इसको साइंटिस्ट जो इसको डिस्कवर किया था उसके अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फुरकावा मेथड। एक आप लोगों के पास आती है वो हमारे पास है फुरकावा मेथड। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, फुरकावा मेथड भी बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शंस करवाने के लिए। ये हमारे पास थे साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शंस की, हम कैसे आप लोगों के पास कोई स्पीसीज होती है और उसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, साइक्लोप्रोपेन की जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एक और आप लोगों के पास रिएक्शन, जैसे हमें साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शंस करवानी है तो हमारे पास कोई भी आप लोगों के पास रिएजेंट है, जैसे हमारे पास है एथिल, यहाँ हमारे पास है, ये हमारे पास प्रेजेंट है जो आप लोगों के पास एथिल, अगर आप लोगों के पास दो आप लोगों के पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप भी अब आप लोगों के पास प्रेजेंट है। एक तो अपने पास क्या है यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है और एक अपने पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्किन प्रेजेंट है, तब भी हम रिएक्शंस करवाएंगे। यही रिएजेंट हमें यूज में लेते हैं डाई आयोडो मेथिल और हमारे पास है डाई एथिल जिंक, इनके साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे। तो मेनली आप लोगों के पास रिएक्शंस कहाँ होगी, ये जो डबल बॉन्ड आप लोगों के पास प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शंस होगी मेनली वो हमारे पास कौन से साइड पे होगी, जहाँ पर भी आप लोगों के पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्किन या एल्काइन प्रेजेंट है, वहाँ अपनी रिएक्शंस होगी। तो यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं इस रिएक्शंस का, तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, ये कीटोन आप लोगों के पास है, इस कीटोन पे अपने पास क्या होगी, कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी। यहाँ जो आप लोगों का डबल बॉन्ड है यानी कि यहाँ हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके साथ ही हमारी रिएक्शन पॉसिबल होगी, यहाँ होगी, अपने पास बन गया साइक्लोप्रोपेन। जैसे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे हमारे पास, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा और अपना जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों के पास डाईएथिल जिंक डेरिवेटिव आता है तो उसके साथ हमें क्या बनाना है, डाई आप लोगों के पास क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेनेशन यानी कि साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम, वो हमारे पास आती है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में, वो है हमारे पास सिमोन स्मिथ रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सिमोन स्मिथ रिएक्शंस। सिमोन स्मिथ रिएक्शंस में हमें क्या करना है, सिमोन स्मिथ रिएक्शंस में हमारे पास एक रिएजेंट आप लोगों के पास होता है, हमारे पास हम अभी तक क्या यूज़ कर रहे हैं, डाई आयोडो मैथिल यूज़ कर रहे हैं। डाई आयोडो मैथिल जो होगा उसके हम रिएक्शंस करवाएंगे जिंक कॉपर कपल के साथ, यानी कि जिंक और कॉपर जो आप लोगों का मिश्रण होता है उसके साथ जैसे ही हम डाई आयोडो की रिएक्शंस करवाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल हमारे पास, जैसे हमारे पास है ये हमारे पास क्या है डाई आयोडो मैथिल है, इसकी रिएक्शंस करवाते हैं हम जिंक कॉपर कपल के साथ। जैसे ही हम जिंक कॉपर कपल के साथ इसको हीट करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये आप लोगों के पास आयोडीन आयोडो जिंक आप लोगों के पास है, डाई आयोडो है तो ये आप लोगों के पास जिंक और ये आयोडीन, यानी कि हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी आयोडो मैथिल जिंक आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अपने पास क्या बना यहाँ पे आयोडो मैथिल जिंक आयोडाइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं सिमोन
स्मिथ रिएजेंट, इस सिमोन स्मिथ रिएजेंट की हमें क्या करवानी है, रिएक्शंस करवानी है किसके साथ, हमारे पास वही हमारे पास साइक्लोप्रोपेनेशन बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, आयोडोमेथिल प्रेजेंट है, तो आयोडोमेथिल के थ्रू ये बनाएगा तो साइक्लोप्रोपेन ही, लेकिन यहाँ हम जो रिएजेंट यूज में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हम जिंक डेरीवेटिव। अभी मैंने आप लोगों को साइक्लोप्रोपेनेशन बताया तो उसमें हमने क्या लिया था, उसमें जिंक डेरीवेटिव यानी कि डेरीवेटिव के रूप में हमने क्या लिया था, एथिल लिया था, जबकि हम यहाँ यहाँ क्या यूज करेंगे, आयोडीन यूज करेंगे डेरीवेटिव के रूप में, और ये अपना होगा सिमोन स्मिथ रिएजेंट। इसके साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे आप लोगों के पास है बेंजाइन, आप लोगों के पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास है कोई रिएक्शंस, साइक्लोहेक्सीन हमारे पास प्रेजेंट है, इस साइक्लोहेक्सीन के में रिएक्शंस करवानी है किसके साथ, वही अपने पास हो जाएगा आयोडीन डाई आयोडोमेथिल, प्लस हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, वही अपने पास जर्कोनियम डाइसाइक्लोपेंटाडाइलिन। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सिमोन स्मिथ रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिंक कॉपर कपल की भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम जिंक कॉपर कपल को रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम हीट करेंगे तो रिएक्शंस में हमें क्या मिलेगा, यही मैथिल ग्रुप जो आप लोगों का है वही रिएक्शंस करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन, अपने पास जो बेंजीन साइक्लोप्रोपेन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे ये रिएक्शंस में, यानी कि सिमोन स्मिथ रिएजेंट चाहे आप लोगों के पास डाईआयोडोमेथिल वाला रिएजेंट हो, दोनों के थ्रू हमें क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शंस होगी, साइक्लोप्रोपेन हमारे पास बनेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों के पास ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट आता है तो हमारे पास कैसे आप लोगों के पास रिएजेंट यूज़ करके हमें करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, अभी तक नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, वो हमारे पास होगी रिएक्शंस विथ कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शंस है रिएक्शंस विथ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन अपना आता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट की, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, आप लोगों के पास ब्यूटेनॉल आप लोगों के पास प्रेजेंट है, जैसे ही हम ब्यूटेनॉल की रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, वही अपना ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट यानी कि डाई एथिल जिंक अपने पास आता है, डाई एथिल जिंक की रिएक्शंस करवाते हैं हमारे पास जर्कोनियम साइक्लो पेंटाडाइनिल आयोडीन, इसके साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से एथिल हमें मिलेगा, यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ होगी देखो हमारे पास रिएक्शंस मेनली, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अपने पास रिएक्शंस होगी डाई एथिल जिंक जो आप लोगों का है, यानी कि C2H5 जिंक ये अपने पास है, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा C2H5 एथिल हमारे पास बनेगा, प्लस हमारे पास जिंक एथिल रिमूव हो जाएगा, तो रिएक्शंस कहाँ होगी, ये कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो रिएक्शन आप लोगों के पास है ये यहाँ मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव पार्ट की हम किसके साथ रिएक्शंस करवा लेंगे, जो भी आप लोगों के पास बनेगा एथिल जो आप लोगों के पास मिलेगा नेगेटिव फॉर्म में उसके साथ हम रिएक्शंस करवा लेंगे, प्लस हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रो जो आप लोगों के पास होता है प्रोटोनेशन करवाकर हमारे पास जो इसका आप लोगों के पास ऑक्सीजन जो है के साथ क्या अटैच हो जाएगा हमारे पास, या बन जाएगा आप लोगों के पास प्रोटो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं इस रिएक्शन से, फर्स्ट हमारे पास बनेगा यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, इस नेगेटिव पार्ट से हमारे पास क्या जुड़ेगा, जिंक एथिल एक बार हमारे पास ये जुड़ जाएगा, प्लस नीचे जो हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ जुड़ जाएगा एथिल, यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH3। नेक्स्ट हम करवाते हैं हाइड्रोक्सीलेशन यानी कि जलयोजन जो हम करवाते हैं, तो हमें इससे क्या मिलेगा, H+ आप लोगों को मिलेगा, यानी कि प्रोटोनेशन रिएक्शंस होगी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ से, जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ नेगेटिव पार्ट और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट, तो ये नेगेटिव पार्ट से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव पार्ट वाला जुड़ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, यानी कि 2-hydroxy आप लोगों के पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्किल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी ये इस रिएक्शंस के थ्रू। तो ये रिएक्शंस थी अपने पास रिएक्शंस विद कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे जैसे हमने कीटोन के साथ रिएक्शंस करवाई वैसे हम किसके साथ करवा सकते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप के साथ भी रिएक्शंस करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी अपने पास क्या होता है, CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ये रिएक्शंस थी। नेक्स्ट रिएक्शंस में हम बात करते हैं इसमें रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन वो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट में उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।